Hello guys, how are you? Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Modern Trading. Guys, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को जो मैंने सीरीज निकाली हुई थी 7 पार्ट्स की, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर आप सभी को ट्रेडिंग करके दिखाई थी, कंपाउंडिंग करके दिखाई थी. ओके, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मैं मोस्टली ट्रेडिंग करते समय उस इंडिकेटर का यूज़ करती हूँ. आप भी जानते हैं कि मॉडर्न ट्रेडिंग पर जब भी सेशन कराया जाता है तो वो इंडिकेटर हमेशा अप्लाई रहता है, हमेशा आप सभी देखते होंगे कि वो लगा ही रहता है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ. मैं बात कर रही हूँ जिगजैग इंडिकेटर के बारे में. तो आज के इस वीडियो में हम जिगजैग के बारे में जानने वाले हैं, ये किस तरह से वर्क करता है, ये क्या होता है और किस तरह से अप्लाई होता है, किस तरह हम इनको अप्लाई करके इन पर ट्रेड गेन कर सकते हैं. ओके, सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं. तो गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. ओके, सो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से कहना चाहती हूं, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए. ओके, जहां पर आप सभी को डेली कुछ ना कुछ फ्री श्योर शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं. ओके, जहां आप उन ट्रेड्स को फॉलो करके अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. ओके, अगर आप सभी ने क्यूटैक्स पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, अकाउंट क्रिएट कीजिए. ओके, वहां से आप हमारे द रिलायबल VIP ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, जहां पर आप सभी को मोर ट्रेड गेन करके मोर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. ओके, सो वीडियो शुरू करते हैं और ये ज़िगज़ैग इंडिकेटर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, हम सारी चीजें आज की इस वीडियो में जानते हैं. सो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ. तो गाइज, मैं आ चुकी हूँ यहाँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर क्यूटैक्स के लाइव अकाउंट में, जिसमें आप सभी को मेरे लाइव अकाउंट में 7400 डॉलर का लाइव बैलेंस शो हो रहा होगा, आप सब देख पा रहे हैं. ओके, देन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़िगज़ैग इंडिकेटर के बारे में. ओके, तो यू नो गाइज, ज़िगज़ैग इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें ईजिली हमारे ट्रेंड को बताता है कि हमारा ट्रेंड किस डायरेक्शन में चल रहा है, हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और आने वाले टाइम में हमारा मार्केट किस डायरेक्शन की ओर जा सकता है, इसके चांसेस और ज़्यादा रह सकते हैं इस डायरेक्शन में जाने के लिए. ओके, तो गाइज, यू नो ज़िगज़ैग इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो जितने भी सारे इंडिकेटर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल तरह से, ईजिली तरह से आप सभी को ट्रेंड बताने में हेल्पफुल हो सकता है. ओके, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैं हर ट्रेडिंग में, हर सेशन में इसको फॉलो करती हूँ, अप्लाई करती हूँ. यू नो, आप भी देखते होंगे सेशन कराते समय में, मेरे हर ट्रेडिंग सेशन में ये ज़िगज़ैग इंडिकेटर अप्लाई रहता है. ओके, सो गाइज, फर्स्टली मैं यहाँ पर बात करती हूँ ज़िगज़ैग इंडिकेटर के बारे में. तो हम यहाँ पर अपना ज़िगज़ैग इंडिकेटर अप्लाई कर लेते हैं, ये हमारा ज़िगज़ैग इंडिकेटर. देन हम कलर की बात करें तो यहाँ पर यू नो हमारे मार्केट चार्ट में रेड एंड ग्रीन दो कलर की कैंडल बनती हैं, आप सब जानते हैं. ओके, तो रेड एंड ग्रीन कलर पर हमारा जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट कलर होता है वो येलो. ओके, तो ये हमें उसमें मर्ज ना हो कलर, इसलिए हम ऐसा कलर लेंगे येलो जो कि रेड और ग्रीन कलर पर हमें अलग से दिखे. ओके, अलग से शो हो. इसकी रीडिंग मैंने ऑलरेडी फिलअप कर रखी है 5, 12, 3 की. ओके, सो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर फिलअप ऑलरेडी कर रखी थी. तो मैंने यहाँ पर अपना ज़िगज़ैग इंडिकेटर ले लिया है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है, जैसा कि शो हो ही रहा है, आप सब देख रहे हैं कि हमारा डाउन पीक, अपर पीक पॉइंट, डाउन पीक पॉइंट. ओके, देन अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अगेन अप ट्रेंड, अगेन डाउन ट्रेंड, देन अभी हमारा अप ट्रेंड चल रहा है. ओके, सो इसमें कुछ ऐसा समझने वाली बात ही नहीं है, सब शो होता है. ओके, तो गाइज, ज़िगज़ैग इंडिकेटर जिस ट्रेंड को फॉलो करता है उस ट्रेंड में प्रेस करने से एक्सिमम मान के चलिए कि 70% चांसेस होते हैं कि हमारी ट्रेड विनिंग रहती है उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए. ओके, 100% बात मैं नहीं बोल रही हूँ, 90% नहीं बोल रही हूँ, 70%, 30% मैंने ना में बोला है. ओके, सो यहाँ पर अगर मैं ये 1 मिनट का चार्ट अभी ओपन है, यहाँ पर मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लूँ तो इसमें भी आप सभी को ये इंडिकेटर शो हो रहा है. ऐसे ही ये भी, उसमें भी इसी तरह से कुछ हमारा ये देख रहे हैं, ये ट्रेंड को बताता है ईजिली तरह से. ओके, सो यहाँ पर हम यहाँ पर फर्स्टली अगर बात करें तो हम 1 मिनट का चार्ट ले लेते हैं. ओके, देन यहाँ पर ट्रेंड को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम अपनी ट्रेड प्रेस करेंगे. ओके, सो हम अपना यहाँ पर अमाउंट फिक्स कर लेते हैं $150 की. ओके, देन हम यहाँ पर ट्रेड प्रेस करेंगे. ओके गाइज, 38 सेकंड्स के बाद
जब हमारी नेक्स्ट कैंडल बनने वाली होगी उस वक्त हम ये फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे कि हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, देन ट्रेंड अभी हमारा अपवर्ड का चल रहा है। ओके, तो अपवर्ड की ट्रेंड में चांसेस हो सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट कैंडल जो बने वो अपवर्ड की ओर ही बने। ओके, सो 20 सेकेंड्स के बाद हम अपनी ट्रेड प्रेस करेंगे। ओके, 80 सेकेंड्स हमारे पास, वेट करेंगे थोड़ा सा। गाइज, आप सभी जानते हैं कि ट्रेड विनिंग के लिए एक्यूरेट एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम बहुत फिक्स होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए। 2 सेकेंड लेट, 2 सेकेंड पहले आपकी ट्रेड लॉस कर सकती है। ओके, मैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर $600 इन्वेस्ट किए हुए हैं, $150 की 4 ट्रेड मैंने प्रेस की हुई हैं। ओके, अपवर्ड ट्रेंड को फॉलो करते हुए। ओके, देन हमें देखना है कि इस ट्रेड का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, वेट करेंगे। ओके, 40 सेकेंड्स हमारे अभी हमारे पास। ओके, देन अभी हमारा मार्केट कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट था, वोलाटाइल था, अभी बहुत ज़्यादा फ्रीजी मार्केट हो रहा है। ओके, ट्रेड हमारी बहुत ज़्यादा क्लोज पॉइंट पर है, अभी हमारी विनिंग में चल रही है। 20 सेकेंड से हमारे पास फ्लक्चुएट करने लगा है अगेन से, चूँकि आप सब जानते हैं कि मैं इस वक्त 23:48 पर ट्रेड प्रेस कर रही हूँ। अभी लगभग रात के 12:15 बज रहे हैं, मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ, ट्रेड कर रही हूँ, तो यू नो थोड़ा सा मार्केट में प्रॉब्लम चलती है, और ये ट्रेड फिलहाल हमारी अच्छी खासी विन हो चुकी है। ओके, यहाँ पर हम अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं। ओके, सो गाइस अगेन मैंने यहाँ पर देखिए अब ट्रेंड चल रहा था, अपवर्ड की ओर मैंने ट्रेड प्रेस की, तो यहाँ पर हमारी ट्रेड विनिंग हुई। मैंने अगेन यहाँ पर 4 ट्रेड प्रेस की हुई हैं, अगेन अब ट्रेंड को फॉलो करते हुए। ओके, देन देखेंगे कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। ओके, अगेन हमारे पास 37 सेकेंड्स का टाइम है। ओके, वेट करेंगे कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। ओके, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ज़िगज़ैग हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा ट्रेंड अपवर्ड की ओर चल रहा है। ओके, ये डाउन ट्रेंड था, ये अपवर्ड की ओर ट्रेंड चल रहा है, उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर ट्रेड अप की ओर प्रेस कर दी है। ओके, मैंने गाइस बोला है कि 70% ये हमें एप्लीकेबल रहता है, ये चांसेस देता है कि हमारी ट्रेड विनिंग जाएगी। ओके, 30% चांसेस रहते हैं ना के। ओके, ऐसे में क्या है कि मार्केट जब साइडवेज चलने लगता है तब वहाँ पर हमें कुछ चांसेस कम रहते हैं। ओके, देन हम यहाँ पर अमाउंट अपना देखें कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है मार्केट, बहुत ज़्यादा क्लोज लॉस हो कोई नहीं। यहाँ पर अपना अमाउंट हम इंक्रीज़ करेंगे, $300 का मैंने अमाउंट फिक्स कर रखा है। ओके, मार्केट अभी हमारा साइडवेज कैंडल्स में चलने लगा है। ओके, देन अगेन हम यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 4 ट्रेड प्रेसेस की हुई हैं $300 की। ओके, अपवर्ड ट्रेंड की ओर, जैसा हमारा अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड पे मैंने यहाँ पर 4 ट्रेड प्रेस की हैं। ओके, वेट करेंगे कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। ये ट्रेड हमारी फिलहाल अच्छी खासी विन होकर के आ रही है। 20 सेकेंड से हमारे पास, जो कि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट है, वोलाटाइल है, तो हम अभी भी कुछ नहीं कह सकते कि हमारी ट्रेड ये श्योर शॉट विन होकर के ही आएगी, वेट करेंगे। 15 सेकेंड से हमारे पास, अभी फिलहाल अच्छी खासी विन है। 9 सेकेंड्स हैं, 7, 3, 2, 1, देन ये गाइज हमारी ट्रेड अच्छी खासी विनिंग होकर के आ चुकी है। ओके, हमने प्रॉफिट गेन कर लिया है। ओके, देन हम यहाँ पर अगेन ट्रेड प्रेस करेंगे, अमाउंट इंक्रीज करेंगे $500 की, लेकिन 1 मिनट के चार्ट पर नहीं गाइज, हम यहाँ पर 3 मिनट के चार्ट पर ट्रेड प्रेस करेंगे कि हमारे 3 मिनट के चार्ट पर किस तरह से हमारा ये मार्केट और ये ज़िगज़ैग इंडिकेटर अप्लाई हो सकता है। ओके, तो अभी हमारा ट्रेंड इसमें यहाँ पर चल रहा है डाउन ट्रेंड। ओके, आप सब देख पा रहे हैं कि हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इस डाउन ट्रेंड में कभी कभी चांस गाइज, मैंने, अगर आप सभी ने मेरी प्रीवियस वीडियो जो मैंने सीरीज बनाई हुई है उसकी वीडियोज़ में, लास्ट वीडियो में जो हम जहाँ पर मैंने आप सभी को बताया हुआ है स्प्रिंग टॉप कैंडलस्टिक्स के बारे में एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के बारे में, ओके, एंड शूटिंग स्टार के बारे में, सारी कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में मैंने अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग कैंडल के बारे में बताया हुआ है। ओके, तो अगर गाइज कभी भी पीक पॉइंट पर या फिर डाउन पीक पॉइंट पर हमें यहाँ पर अपना स्प्रिंग टॉप या फिर किसी भी तरह से हमारा मॉर्निंग या इवनिंग स्टार, ओके, देखने को मिलता है, तो वहाँ पर हमारे चांसेस रहते हैं कि ये हेल्प करते हैं कि हमारा ट्रेंड चेंज होने वाला है। वो हमारा जब भी
ट्रेंड चेंज होने वाला होता है। तो ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो मैंने आपको बताए हुए हैं, ये हमें हेल्प करते हैं ये बताने में कि हमारा मार्केट चेंज ट्रेंड चेंज होने वाला है। यहाँ पर कुछ देर के लिए आप ठहरिए, वेट कीजिए, देखिए कि हमारा ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, ज़िगज़ैग यहाँ पर जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा अलग से वी शेप ले लेगा। ओके, तो हमें उस टाइम पर वेट करना है। अभी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि शायद हमारा ये ट्रेंड हमारा चेंज होगा, यहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा तो यहाँ पर ऑब्वियसली डाउन से अपवर्ड की ओर जाएगा। ओके, सो हम वेट करेंगे। यहाँ फिलहाल सारी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, आप देख रहे हैं 3 मिनट का ना हो करके, तो हम यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। यहाँ पर भी अभी वही चीज़ है, तो हम 2 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ट्रेंड हमारा चेंज होगा। ओके, फिलहाल तो अभी वही चल रहा है डाउन ट्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज़िगज़ैग हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर 40 सेकेंड्स के बाद नेक्स्ट कैंडल प्रेस करेंगे 2 मिनट के चार्ट पर। ओके, तो 2 मिनट का 2 मिनट की मैं कैंडल सिक्स पैटर्न पर ट्रेड प्रेस करने वाली हूँ। ओके, 30 सेकेंड के बाद, 30 सेकेंड के बाद हम देखेंगे कि हमारा ये ज़िगज़ैग इंडिकेटर जो इंडिकेट कर रहा है डाउन की ओर, वो हमारा डाउन मार्केट जाएगा। और यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ तक मार्केट आ चुका है, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी डाउन बन के यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हमारी शेप लेगी। ओके, 18 सेकेंड के बाद हम यहाँ पर ये शेप उसने ले ली है ऑब्वियसली डाउन की ओर। ओके, सो हम यहाँ पर वेट करेंगे, 8 सेकेंड्स हैं, देन इसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड प्रेस करेंगे। ओके गाइस, तो आप सब देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर ट्रेड प्रेस करने वाली हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पर डाउन ट्रेंड में 3 ट्रेड प्रेस कर देती हूँ डाउन की ओर, देखते हैं कि हमें स्ट्रेट का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। ट्रेंड हमारा डाउन चल रहा है। ओके, अगर हमारे यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा, मतलब अपवर्ड की ओर जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर हमारा मार्केट जो है अपवर्ड की ओर चला जाएगा, नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन बन जाएगी, यहाँ से वी शेप ले लेगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ओके, अगर हमारा सेम अभी डाउन ट्रेंड चलेगा तो ये ट्रेड हमारी रेड कैंडल बनेगी। ओके, बेरिश कैंडल बन के ये इंडिकेट करेगा कि अभी हमारा डाउन ट्रेंड ही चल रहा है और कुछ देर तक अभी डाउन ट्रेंड ही चलेगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर $1500 इन्वेस्ट किए हुए हैं, 3 ट्रेड प्रेस करी हैं मैंने। ओके, देन हमारे पास अभी भी 1 मिनट 8 सेकंड्स का टाइम है, वेट करेंगे कि हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। ओके, बहुत ज़्यादा क्लोज पॉइंट पर है मार्केट, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी कर रहा है और बहुत ज़्यादा क्लोज लॉस हुई है। आप सब देख सकते हैं गाइस, किससे बहुत ज़्यादा क्लोज लॉस हुई है, ये देखिए है ना। तो यहाँ पर कोई नहीं, मैं यहाँ पर अगेन इन्वेस्ट करूँगी $1000। ओके, देन 30 सेकेंड्स के बाद हम यहाँ पर अपनी नेक्स्ट कैंडल प्रेस करेंगे। हमारे यहाँ पर $1500 लॉस में है। ओके, इसको कवर अप करेंगे, देन प्रॉफिट में आने के लिए मैं यहाँ पर ट्रेड प्रेस करूँगी। ओके, 14 सेकेंड्स है अभी हमारे पास। अगर यहाँ पर हमारा डाउन पीक का शूटिंग स्टार बनता है गाइज, तो मतलब डेफिनेटली हमारा ट्रेंड चेंज होगा और हमारी नेक्स्ट कैंडल अपॉर्ट की ओर बनेगी। ओके, देन मैं यहाँ पर $3000 मैंने अपॉर्ट की ओर इन्वेस्ट किए हुए हैं। ओके, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली हमारा ट्रेंड चेंज होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर ये देखिए कैंडल बन रही है, जिसमें मैं सीरीज़ के एक वीडियो में बता चुकी हूँ आप सभी को। ओके, देन $300 मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं और ये हमारी अभी श्योर शॉट विनिंग में है ट्रेड। ओके, $300 मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं। ओके, अभी हमारे पास लगभग 1.5 मिनट का टाइम है, वेट करेंगे कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। ज़िगज़ैग इंडिकेटर आप देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से भी हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, कुछ इस तरह से ये पॉट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अगेन अप ट्रेंड, अगेन डाउन ट्रेंड। ओके, देन अभी डाउन ट्रेंड में ये मार्केट है, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि शूटिंग स्टार बन गया है, तो मतलब डाउन पीक का शूटिंग स्टार बन गया है, तो मतलब हमारा मार्केट जो है अभी यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। ओके, अगर ट्रेंड चेंज करता है तो डेफिनेटली हमारी ये ट्रेड विन होकर के आएगी और ये हमारी ट्रेड विन होकर के आ चुकी है, आप सब देख सकते हैं। ओके, के $1000 हमारे इन्वेस्टेड थे, देन ये ट्रेड हमारी
अच्छी खासी विन होकर के आ चुकी है। ओके, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से, ये हमारी ट्रेड अच्छी खासी विन होकर के आ गई, मतलब यहाँ से हमारा ट्रेंड जो है आप देख रहे हैं कि चेंज हो चुका है। ओके, सो होप सो आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरह से यहाँ पर ट्रेंड को फॉलो किया है। ओके, एंड कुछ ऐसे कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं, कुछ ऐसी कैंडलस्टिक्स होती हैं जिनको आप आइडेंटिफाई करके आप इजीली ये पता भी लगा सकते हैं कि हमारा डाउन पीक पर हमारा इस तरह से कुछ ऐसा कैंडल बन गया है, मतलब यहाँ पर हमारी स्प्रिंग टॉप बन गई है या फिर हमारा शूटिंग स्टार बन गया है या मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बन गया है, तो मतलब अब हमारा ट्रेंड यहाँ से रिवर्स फ्लो लेगा। ओके, मतलब यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज होगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर लास्ट पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि मैंने डाउन पीक पॉइंट पर ये मैंने पहचान ली कैंडल। ओके, देन पहचान करके मैंने ये समझ लिया कि हमारा मार्केट यहाँ पर अब अपवर्ड की ओर ट्रेंड लेगा, यहाँ से ट्रेंड हमारा चेंज होगा, यहाँ ट्रेड हमें डाउन ट्रेंड की ओर नहीं, डाउन की ओर नहीं, अपवर्ड की ओर प्रेस करनी है क्योंकि हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है। ओके, सो ये चीज़ें कुछ कॉमन सेंस की बातें होती हैं। ओके, आप सबको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, सो होप सो आप सभी को ये अच्छा खासा ज़िगज़ैग इंडिकेटर समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छे समझाने की। ओके, सो गाइज, अगर आप सभी को ये ज़िगज़ैग इंडिकेटर अच्छे से समझ में आया हुआ है, ओके, ज़िगज़ैग इंडिकेटर क्या है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से इससे हम इसके फ्लो को पता कर सकते हैं, इसके ट्रेंड को पता कर सकते हैं, ओके, सारी चीज़ें समझ में आई हुई हैं, तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जिससे आप सभी को लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ईजिली पता चल सके। ओके, एंड गाइज मोस्ट ऑफ थिंग अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा कि आपको प्रीवियस वीडियो की सीरीज़ कैसी लगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मैंने बताए हुए हैं वो कैसे लगे, एंड ये इंडिकेटर की वीडियो की कैसी लगी हुई है। ओके, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।